हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा के लिए दोस्तों मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपना एक मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपना दूसरा नंबर का मॉडल पेपर है दोस्तों। ये प्रथम प्रश्न पत्र के लिए, यानी कि फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर की ये सीरीज है, ठीक है। सेकंड पेपर के मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो अलग शुरू की गई है, तो आप उसको भी जरूर देखें। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहां पे फोल्डर मिल जाएगा जूनियर अकाउंटेंट सेकंड पेपर मॉडल पेपर के नाम से, और जूनियर अकाउंटेंट फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां फोल्डर मिल जाएंगे अलग अलग, ठीक है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पर ये आधारित है। हूबहू आपको एसआई पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपने पिछला मॉडल पेपर नहीं देखा तो वो जरूर देखें। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपन हिंदी व्याकरण से संबंधित 25 प्रश्न पढ़ेंगे। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार अपन चलते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, धर्मोपदेश शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? धर्मोपदेश में देखिए, जहां पर भी आपको 90% एक मात्रा ऊपर दिख जाए, आपको आंख बंद करके गुण संधि का नियम उसमें लगाना है, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि, धर्म प्लस उपदेश, ठीक है। तो दोस्तों, यहां पे देखिए, धर्म तो ए तो लास्ट में आ रहा है और उपदेश में ऊ पहले आ रहा है, तो ए और ऊ बन के क्या बन रहा है? ओ धर्मो, ठीक है, धर्मोपदेश। तो यहां पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन है पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, बताइए दोस्तों? कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? तो इसमें देखिए, पहला कथन देखिए, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। तो दोस्तों, पूर्व पद प्रधान होता है तो ये अव्ययी भाव समास में होता है, तो यानी कि अपना पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। तो दोस्तों, संख्यावाची जो पद होता है, ठीक है, पूर्व पद है वो संख्यावाची होता है, तो वो द्विगु समास के अंदर होता है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, तत्पुरुष समास का जो कथन है वो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य है कि तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। और देखिए, इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। तो दोस्तों, ये भी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, यानी कि कथन है ये। तो यहां पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस शब्द में उर्दू का उपसर्ग नहीं है, बताइए? उर्दू का उपसर्ग किस में नहीं है? तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए, जो अवरोध है, अवरोध के अंदर दोस्तों अव प्लस रोध, ठीक है। यहाँ पे अव का मतलब होता है नीचा, बुरा, हीन, ये होता है दोस्तों अव का मतलब, ठीक है, अवरोध। तो दोस्तों, यहां पर जो ये उर्दू का उपसर्ग है ये नहीं है, तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहां पे उन्तावाचक प्रत्यय से अभिप्राय है। उन्तावाचक प्रत्यय से अभिप्राय है, तो दोस्तों क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों, उन्तावाचक प्रत्यय से अभिप्राय है लघुता बोधक। क्या है? लघुता बोधक है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्तावाचक प्रत्यय का उदाहरण उदाहरण की बात करूं तो दोस्तों देखिए, खटोला खाट प्लस ओला, ठीक है, सपोला सांप प्लस ओला, ठीक है, तो ये लघुता बोधक है दोस्तों। राइट आंसर इसमें बी नंबर, सॉरी ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे देखिए, सरस्वती शब्द का अपने को पर्यायवाची ज्ञात करना है दोस्तों। देखिए, शारदा, शारदा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये तो सभी को पता भी होगा। आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न, निरामिष शब्द का विलोम चुनाए। निरामिष का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों, निरामिष का हो जाएगा सामिस। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सामिस। आगे देखिए, अज शब्द के अनेकार्थी का सही विकल्प है। अज शब्द के अनेकार्थी का सही विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, अज शब्द का जो अनेकार्थी सही विकल्प है तो वो है दोस्तों,
ब्रह्मा, बकरा, जीव, दशरथ के पिता, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, किस क्रमांक में अंबुज और अम्बुद शब्दयुग्म का सही अर्थ भेद है? दोस्तों मैं आपको बताऊं, अंबुज अंबुज का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कमल। क्या हो जाएगा? कमल। और अंबुद द है जिसमें लगा हुआ है, इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों बादल। तो यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से विशेषण शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बताइए, निम्न में से विशेषण शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सिलाई नहीं है दोस्तों। ठीक है, कौन सा नहीं है? सिलाई। सिलाई शब्द है, ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण है। ठीक है, लेकिन विशेषण शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा का ये उदाहरण नहीं है। तो यहां पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए कुछ लोग, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं, कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ये विशेषण है? तो दोस्तों ये विशेषण हो जाएगा इसमें कुछ लोग, यानी कि अनिश्चित है। ठीक है, यानी कि अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। इसमें 20 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है, तो दोस्तों 20 क्विंटल गेहूं खरीद लिया है यानी कि निश्चित खरीदा है ना, 30 तो नहीं खरीदा, 20 से 30 तो नहीं किया ना, ये अपने को करेक्ट पता है 20 क्विंटल, यानी कि निश्चित परिमाण वाचक है, विशेषण हो जाएगा इसमें। काला कुत्ता मेरी रोटी ले गया, काला कुत्ता मेरी रोटी ले गया, तो दोस्तों इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। और उसने परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम का मतलब क्या हो जाएगा इसमें? संख्यावाचक विशेषण हो गया इसमें। ठीक है, तो यहां पर है अपना राइट आंसर होना चाहिए इसमें 4 1 2 3, 4 1 2 3 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी समास का उदाहरण नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मुनि पंगव। मुनि पंगव राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मुनि पंगव। ठीक है, आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए आमूलतः इप्तिसी आकर्षित अभिषेक शब्दों के शुद्ध रूप का सही जोड़ा निम्न में से कौन सा है? यानी कि दोस्तों ये जो ऊपर जो शब्द दे रखे हैं ये सारे के सारे हैं वो गलत शब्द दे रखे हैं, और अपने को इसका सही ऑप्शन बताना है कि इनका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए जो ये आमूलत है तो इसका तो हो जाएगा दोस्तों मूलत या आमूल। ठीक है, और ये जो ये इसिप्त है, ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों ये इपित्स, और आकर्षित का हो जाएगा आकृष्ट, और अभिषेक का हो जाएगा अभिषेक। ठीक है, तो यहां पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 13 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का अपने को यहां पर क्या करना है? चयन करना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। दोस्तों देखिए, मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। ठीक है दोस्तों, ये अपना पहला कथन है, ये बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वो जा रहे हैं, वो नहीं वे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें दोनों गलत दे रखे हैं। और भी आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है मित्रों? तो दोस्तों देखिए, जब वाक्य में क्रिया का रूप कर्ता व कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार हो तो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शिक्षा मंत्री ने शीघ्र शिक्षक लगाने का आश्वासन दिया, राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये कथन है ये दोस्तों भाववाच्य का उदाहरण है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, तो वो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, बताइए,
ये तो सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए, पो बारा होना, पैरों पर खड़ा होना, फूंक फूंक कर पैर रखना, यानी कि फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी कि स्वावलंबी होना। तो यहाँ पे इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ओहो, देखिए, नहीं, फूंक फूंक कर कदम नहीं, पैरों पर खड़ा होना, पैरों पर खड़ा होना यानी कि स्वावलंबी होना। ठीक है, जैसे कि कोई लड़का है, वो नौकरी लग गया तो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि स्वावलंबी हो गया वो। ठीक है, तो यहाँ पर है पैरों पर खड़ा होना, ये अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइए कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है, बताइए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मुझ पर दृश्य फिल्माया गया, मुझ पर दृश्य फिल्माया गया, ठीक है, नाम धातु क्रिया, बिल्कुल सही है दोस्तों। राकेश खाना खाकर विद्यालय गया, पूर्वकालिक क्रिया है, बिल्कुल सही है, खाना खा चुका है वो पहले ही। शर्मा जी ने नाई से बाल कटवाए, अपूर्ण क्रिया। तो दोस्तों बाल कटवाए, ठीक है, ये वाक्य है, ये दोस्तों सत्य नहीं है। ठीक है, शर्मा जी ने नाई से बाल कटवाए, ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और वह नाते ही मंदिर चला गया, तत्कालिक क्रिया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, निम्न में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों उदासी। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, उदासी। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, महोत्सव का संधि विच्छेद। तो दोस्तों महाप्लस उत्सव, महाप्लस उत्सव, तो दोस्तों यहाँ पर आपको दीर्घ संधि का उदाहरण है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो है महाप्लस उत्सव, राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो, तो दोस्तों उसका वो होता है आक्रांत, क्या होता है आक्रांत, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही, आक्रांत। नेक्स्ट आगे देखिए, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है, तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है, बताइए किस विकल्प में हिंदी समानार्थक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए गजट, बिल्कुल सही है, सप्लीमेंट्री पूरक, बिल्कुल सही है, एकेडमिक शैक्षणिक, बिल्कुल सही है, प्रोविडेंट फंड, वेतन विधि नहीं, भविष्य निधि होता है दोस्तों ये, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यद्यपि मैं कमजोर हूं परंतु मैं जल्दी से दौड़ सकता हूं, इस वाक्य का अंग्रेजी में शुद्ध रूपांतरण क्या होगा, यद्यपि मैं कमजोर हूं परंतु मैं जल्दी से दौड़ सकता हूं, इस वाक्य का अंग्रेजी में शुद्ध रूपांतरण है, तो वो क्या होगा, तो दोस्तों वो है थॉट आई एम वीक येट आई कैन रन क्विकली। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, थॉट आई एम वीक येट आई कैन रन क्विकली, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जिस पत्र के माध्यम से बैठक में लिए गए निर्णयों को अथवा जब कोई एक सूचना निर्देश या अनुदेश एक ही साथ अनेक मंत्रालयों कार्यालयों विभागों अधिकारियों कर्मचारियों तक भेजी जाती है, तो उस पत्र को क्या कहते हैं, बताइए, जिस पत्र के माध्यम से बैठक में लिए गए निर्णयों को अथवा जब कोई एक सूचना निर्देश या अनुदेश एक ही साथ अनेक मंत्रालयों कार्यालयों विभागों अधिकारियों कर्मचारियों तक भेजी जाती है, तो उस पत्र को क्या कहते हैं, उस पत्र को क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, परिपत्र। आगे देखिए, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, बताइए निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा दोस्तों इसमें,
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, बह रहा था, रहा नहीं, रहे थे। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, आकाश साफ था, हवाएं चली गई थी और चमकीले तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। ये संयुक्त वाक्य है। बताइए इस संयुक्त वाक्य का अंग्रेजी भाषा में शुद्ध रूपांतरण क्या होगा? तो मित्रों देखिए, आकाश साफ था, हवाएं चल रही थी, या सॉरी हवाएं चली गई थी और चमकीले तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है द स्काई वाज क्लियर, द विंड्स हैड गोन डाउन एंड द ब्राइट स्टार्स वर ट्विंकलिंग इन द स्काई। तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर से संबंधित 25 प्रश्न है वो करवाऊंगा। ठीक है, 25 प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित पूछे जाएंगे और 25 प्रश्न दोस्तों कंप्यूटर व्याकरण सॉरी कंप्यूटर से संबंधित है पूछे जाएंगे। तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारे प्रश्न है वो यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना मित्रों। पहला प्रश्न देखिए, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? दोस्तों वर्तमान में कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है 5वीं पीढ़ी का। ठीक है, यानी कि 5वीं जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई के संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, दोस्तों आपने कीबोर्ड देखा होगा। ठीक है, और ये जो क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई है ये एक ही लाइन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कीबोर्ड को कहा जाता है क्वाटी। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बताऊं दोस्तों यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है, तो प्रिंटर है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, बाकी कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक ये इनपुट डिवाइस है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग को कहते हैं, तो लोडिंग को क्या कहते हैं? लोडिंग को कहते हैं दोस्तों बूटिंग। क्या बोलते हैं? बूटिंग बोलते हैं। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, बूटिंग। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम पर एक साथ कई उपयोक्ताओं यानी कि यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? बताइए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दोस्तों एक साथ कई उपयोक्ताओं को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मित्रों वो है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है? किसमें अधिकतम मेमोरी स्टोरेज की क्षमता है? आप सभी को पता होगा दोस्तों। देखिए मैं यहाँ पे बात करूँ तो सबसे इनमें से सबसे बड़ी जो बाइट है वो कौन सी है? तो दोस्तों पता होगा टेराबाइट है। कौन सी है? टेराबाइट है। टेराबाइट के अंदर दोस्तों क्या होता है, 1024 गीगाबाइट यानी कि 1024 GB को बोलते हैं। ठीक है, 1024 MB को नहीं, 1024 GB को बोलते हैं 1 TB। ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर, जिसको अपन बोलते हैं 1 TB। आप कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाते होंगे तो कई 500 GB की लगाते हैं, कोई 1000 यानी कि 1 TB की लगाते हैं, 1024 GB की लगाते हैं वो। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर है ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है डिजिटल वॉल्यूम डिस्क। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है, और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो दोस्तों यहाँ पे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताऊं,
देखिए, ये एक वर्ताकार आकार वाली एक ऑप्टिकल स्टोरेज है, ठीक है, जिसका पूरा नाम डिजिटल वर्सटेबल डिस्क होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, वर्सटाइल ये गलत दे रखा है इसमें, टाइल, ठीक है, और डिजिटल वीडियो डिस्क होता है इसमें, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें देखिए, डिजिटल वॉल्यूम डिस्क नहीं होता, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं तो डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, तो वॉल्यूम डिस्क तो होता ही नहीं है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इसमें। तो इसमें आपको करना है वर्सटेबल डिस्क, ठीक है, या फिर आप इसको भी काट दीजिए, डिजिटल वीडियो डिस्क इसका राइट आंसर कर लीजिए, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, विश्व में सॉफ्टवेयर क्षेत्र की मुख्यालय कहाँ है, यानी कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रेडमंड वॉशिंगटन डीसी में, रेडमंड वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 34 नंबर का प्रश्न है, कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन के पहुंच जाता है, बताइए। कंट्रोल प्लस होम की के यूज से कर्सर डॉक्यूमेंट की प्रथम लाइन के बताइए पहुंच जाता है, कहां पर पहुंच जाता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है आरंभ में पहुंच जाता है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, लाइन ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शिफ्ट प्लस एंटर, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, शिफ्ट प्लस एंटर। आगे देखिए, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर एमएस वर्ड में कैपिटल लेटर बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है, पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर एमएस वर्ड में कैपिटल लेटर बनाने के लिए का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है इंसर्ट ड्रॉप कप, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों खाली प्रेजेंटेशन से, पुराने प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए किस टाइप का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है डिजाइन का, ठीक है, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो फोरम करंट स्लाइड से शुरू करने के हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है, अच्छा प्रश्न है। देखिए मित्रों, इसमें एक बार फिर से एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो, ठीक है दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड शो फॉर्म करंट स्लाइड से शुरू करने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की है, तो दोस्तों वो शॉर्टकट की कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो शॉर्टकट की है दोस्तों कंट्रोल प्लस F5, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर कंट्रोल नहीं दोस्तों, इसमें देखिए स्लाइड को शुरू करने के लिए, तो स्लाइड को शुरू करने के लिए दोस्तों इसमें नहीं, शिफ्ट प्लस F5 होगा दोस्तों, शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। आगे देखिए, एक वर्कशीट में रो व कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों सेल, क्या कहते हैं उसको, सेल कहते हैं, यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सेल। नेक्स्ट आगे देखिए, एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या है, एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें देखिए एमएस एक्सेल 2007 की वर्कशीट में अधिकतम कॉलम संख्या है, तो अधिकतम कॉलम संख्या है, तो दोस्तों
वो है 1024, 2048 या 2256। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, एमएस एक्सेल 2007 में जो कॉलम है, वर्कशीट में अधिकतम कॉलम है वो दोस्तों 16384 है। कितनी है? 16384 कॉलम्स हैं, ठीक है, 2007 की वर्कशीट में। तो यहाँ पे इसमें इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक्सेल में अंकीय मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है अगर वह कहाँ से शुरू हो। एक्सेल में अंकीय मान को लेबल मान के रूप में माना जा सकता है अगर वह कहाँ से शुरू हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एप्रोस्ट्रोपी। तो यहाँ पर अपना डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, एमएस एक्सेल की सीट में संपूर्ण डेटा में से किसी विशेष डेटा को छांटने हेतु प्रयुक्त कमांड है। तो ये भी सभी को पता होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं फिल्टर, छांटना, फिल्टर। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में मौजूद नहीं है। एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन मौजूद नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है, देखिए, सम है, काउंट है, मैक्स है, लेकिन एवीजी नहीं है, ठीक है, एवरेज है, ये नहीं है दोस्तों इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, एमएस एक्सेल के सेल, सॉरी, एमएस एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 तक का योग करने का सूत्र है। एमएस एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 तक का योग करने का सूत्र है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों बराबर सम A1 अनुपात A10। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है। तो कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ये वेब ब्राउजर नहीं है। ये तो आप सभी को पता है, आईपी एड्रेस होता है ना, www, ठीक है। तो बाकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये तीनों के तीनों है, ये दोस्तों क्या है? ये वेब ब्राउजर है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 47 नंबर का प्रश्न है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी डिवाइस के माध्यम से आपस में जोड़कर डाटा संगठन करने की प्रक्रिया कहलाती है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी डिवाइस के माध्यम से आपस में जोड़कर डाटा संगठन करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वो है दोस्तों नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, नेटवर्क। आगे देखिए, टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने हेतु प्रयुक्त डिवाइस कौन सा है? टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने हेतु प्रयुक्त डिवाइस कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, वो है मोडेम। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मोडेम, ठीक है। आगे देखिए, किसी वेब पेज को रिलोड करने हेतु बटन दबाया जाता है, तो दोस्तों वो बताइए, ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, उसको बोलते हैं रिफ्रेश बटन, दबा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों डाउनलोडिंग। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अपन ने हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित 25-25 प्रश्न है वो अपन ने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। अब दोस्तों अपन है वो राजस्थान से संबंधित 25 प्रश्न है वो यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान के संदर्भ में, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, 51 नंबर का प्रश्न है, और दोस्तों आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना आपको मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। अगर आप पीछे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। देखिए, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने हेतु मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब शुरू की गई? तो दोस्तों ये जो योजना है ये शुरू की गई दोस्तों 1 फरवरी 2019 से ये योजना है वो प्रारंभ की गई। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट में किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? चंबल प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन कहाँ किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है राणा प्रताप सागर में। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान MSME अधिनियम 2019 कब से लागू किया गया? तो दोस्तों ये लागू किया गया कब से, तो ये 17 जुलाई 2019 से लागू किया गया। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का उत्तर को क्या करना है, अपने को यहाँ पे चुनना है। सूची फर्स्ट में दोस्तों वन्य जीव अभयारण्य है और सूची सेकंड में जिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सूची फर्स्ट में वन्य जीव अभयारण्य और सूची सेकंड में जिला है। तो यहाँ पर देखिए, फुलवारी की नाल, बताइए ये फुलवारी की नाल है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये फुलवारी की नाल अभयारण्य है, ये उदयपुर में है दोस्तों। ठीक है, शेरगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये बारा में है। बंद बारेठा कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भरतपुर में है। और ताल छापर कहाँ पर है? तो ये चूरू में है मित्रों। ठीक है, तो यहाँ पर है अपना, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कूट भाषा में उत्तर देना था। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर होना चाहिए 2 3 1 4, 2 3 1 4 अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में अपने को सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में विरासत है और सूची सेकंड में स्थान है। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, देखिए गजनेर महल, गजनेर महल कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बीकानेर में है। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है? तो किराड़ू मंदिर दोस्तों बाड़मेर में है। और जग मंदिर कहाँ पर है? तो ये जग मंदिर उदयपुर में है। तो यहाँ पे 3 1 2 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 1 2 कौन से ऑप्शन में है? तो ये सी नंबर के ऑप्शन में है, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी, मेवाड़ राज्य के सामंतों की श्रेणी कहलाती थी, तो दोस्तों क्या कहलाती थी? वो कहलाती थी दोस्तों उमराव। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उमराव। आगे देखिए, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो दोस्तों वो है मल्लिनाथ जी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, मल्लिनाथ जी। नेक्स्ट आगे देखिए, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इनके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? बताइए कौन से लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय, बताइए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों रम्मत में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, गगर नदी के पेटे को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सभी को पता होगा दोस्तों, स्थानीय भाषा में इसे नाली कहते हैं। ठीक है, गगर नदी के पाट को क्या बोलते हैं? नाली। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? बताइए, राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में निम्न में से कौन सा जिला नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भीलवाड़ा नहीं है, ये जोधपुर में आएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए, राज्य सूचना आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? बताइए, राज्य सूचना आयोग के आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इसके पद को कैसे हटाया जा सकता है? तो देखिए, राज्यपाल के आदेश द्वारा, जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात यह रिपोर्ट दी हो कि राज्य सूचना आयुक्त को हटा देना चाहिए, ठीक है, तब पद से हटाया जा सकता है। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, देखिए करणी शतक, चूड़ा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? तो ये पुस्तकें लिखी थी दोस्तों किसने, बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, नाथू सिंह महरिया ने दोस्तों ये पुस्तक लिखी। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। सरकारी कार्यालयों के साथ अपने को यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट कहाँ पर था? दोस्तों हाई कोर्ट जोधपुर में था। ठीक है, शिक्षा विभाग कहाँ पर था? दोस्तों शिक्षा विभाग है ये भरतपुर में था दोस्तों। ठीक है, खनिज विभाग कहाँ था? तो दोस्तों खनिज विभाग उदयपुर में था। और कृषि विभाग कहाँ था? ये बीकानेर में था। तो
तो यहाँ पर सुमेलित करना था दोस्तों, BADC कूटभाषा के ऑप्शन है वो नहीं दे रखे हैं आपको, डायरेक्ट यहाँ पे BADC करना है। ठीक है, आगे देखिए 64 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है, बताइए किस अजायब घर में सुरक्षित है। सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों दिल्ली के अजायब घर में सुरक्षित है, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जिलानी माता, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिलानी माता। आगे देखिए, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली भाषा है तो वो कौन सी है, तो वो है दोस्तों नहेड़ा मेवाती, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नहेड़ा मेवाती। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, बताइए कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पानीवाड़ा, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, पानीवाड़ा। आगे देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है, दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ राजस्थान की किस शैली में है, सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों मेवाड़ शैली में है दोस्तों ये ग्रंथ। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ है ये, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, उदयपुर में देश हितेशणी सभा का गठन किसने किया, ये गठन किया था दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह, ठीक है महाराणा सज्जन सिंह ने ये गठन किया था, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, तो कौन सा है तो दोस्तों वो है मुड़कियाँ, मुड़कियाँ है ये कानों में पहनी जाती है, ठीक है राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों के रूप में शामिल है, राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों के रूप में शामिल है तो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए विशेष आकर्षण केंद्र है वो कौन कौन से हैं, आप सभी को तो दोस्तों ये पता ही होगा, देखिए लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत और नृत्य बिल्कुल है दोस्तों इसमें, ठीक है धार्मिक पर्यटन एवं मंदिरों की स्थापत्य कला ये भी है, ग्रामीण एवं इको पर्यटन ये भी है, साहसिक पर्यटन ये भी है, तो दोस्तों ये तीनों ही है, ये विशेष आकर्षण केंद्र है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABCD डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सारे ही सत्य है। आगे देखिए, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों टीकाराम पालीवाल ने, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, टीकाराम पालीवाल ने। आगे देखिए, राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल में सर्वाधिक किस जिले का है, बताइए राज्य में कुल कृषि क्षेत्रफल में सर्वाधिक किस जिले का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बाड़मेर का, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाड़मेर का। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर को अपने को क्या करना है, चुनना है। ठीक है, अब देखिए सूची फर्स्ट में उद्योग है और सूची सेकेंड में अवस्थिति है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, सूती वस्त्र उद्योग है, इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो दोस्तों ये गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, ठीक है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, ये कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भिवाड़ी अलवर में, कहाँ पर है भिवाड़ी अलवर में। नमक उद्योग कहाँ पर है, तो दोस्तों नमक उद्योग ये तो सभी को पता होगा डीडवाना नागौर में है दोस्तों ये नमक उद्योग, और संगमरमर उद्योग है ये मकराना नागौर में है। ठीक है, तो यहाँ पर है अगर अपन कूट भाषा में देखें तो अपना उत्तर क्या होगा, अपना उत्तर होगा दोस्तों 2314, 2314, तो यहाँ पर अपना इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है, तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे अनास, सोम, चाप, ये तीनों की तीनों नदियां हैं, ये माही नदी की सहायक नदी है, लेकिन यहाँ पे जो जोजड़ी दे रखा है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है दोस्तों, जोजड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, ये लूणी नदी की सहायक नदियां हैं, तो यहाँ पर अपना बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, अपन ने राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित 25 प्रश्न पढ़ लिए हैं, अब 25 प्रश्न अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए कंपोस्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इसमें जैव निम्नीकरणीय कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, बिल्कुल सही है। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अवशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, बिल्कुल सही है। गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमा कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कथन है वो गलत हो जाएगा, केचुआ धीमा नहीं तीव्र कर देते हैं। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर का प्रश्न है। लड़का होगा या लड़की होगी यह निर्भर करता है दोस्तों, ये निर्भर करता है पिता पर। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 78 नंबर का प्रश्न है। 18वीं के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 4 डिग्री सेल्सियस के आवेश को ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा है, बताइए दोस्तों। 8वीं के विभवांतर वाले दो बिंदु पर 4C के आवेश को ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आवेश Q बराबर 4C, तो V बराबर कितना हो जाएगा 18 वोल्ट, ठीक है। तो कार्य अपने को ज्ञात करना है, तो दोस्तों Q इंटू V यानी कि 4 × 18 करना है, अपना राइट आंसर निकल गया जाएगा, कितना आ जाएगा 72 जूल, और ये अपना राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही 72 जूल। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में औषधीय पौधा है और सूची सेकंड में वानस्पतिक नाम है दोस्तों। देखिए तुलसी का जो वानस्पतिक नाम है वो है कौन सा, तो ओसिमम सेक्टम, ये तुलसी का वानस्पतिक नाम है दोस्तों। सफ़ेद मूसली का जो वानस्पतिक नाम है वो है दोस्तों क्लोरोफाइटम बोरीविली एनम, क्लोरोफाइटम बोरीविली एनम, ये सफ़ेद मूसली का वानस्पतिक नाम है। सनाए, सनाए का जो वानस्पतिक नाम है वो है दोस्तों केसिया अंग स्टीफोलिया वहल, ठीक है। और गिलोय का है दोस्तों टोनी सपोरा कार्डिफोलिया। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों इसमें 3142, 3142 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 3142। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है, वह इंटरनेट एड्रेस जो रोजाना नहीं बदलता है कहलाता है, क्या कहलाता है उसको बोलते हैं आईपी एड्रेस, क्या बोलते हैं आईपी एड्रेस, और कौन सा आईपी एड्रेस, तो दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए। एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक होता है डायनामिक आईपी एड्रेस, ठीक है। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे स्टैटिक आईपी एड्रेस है, इसको रोजाना नहीं बदलना पड़ता, ठीक है। तो यह भी आपको इसमें याद रखना है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है, वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है, ऊपरी हिस्से से जुदाई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा, ऊपरी हिस्से से जुदाई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवतल समतल तथा उत्तल, अवतल समतल तथा उत्तल, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें अवतल दर्पण, फिर दूसरे वाले में समतल दर्पण और तीसरे वाले में उत्तल दर्पण, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो ये बनता है दोस्तों रेटिना के पीछे, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही रेटिना के पीछे। आगे देखिए चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऋतु करिदाल, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही ऊपर। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, 24D है, बताइए ये क्या है, 24 माइनस डी क्या है ये, तो दोस्तों
इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक खरपतवार नाशी है, ये क्या है, एक खरपतवार नाशी है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एफ ई प्लस प्लस दे रखा है कि एफ ई प्लस 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 में रूपांतरण किस प्रकार की प्रक्रिया है, फ्यून, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए धनायन जुड़कर में रूपांतरण हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दोस्तों ये उदाहरण है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए ओम के नियम के अनुसार चालक में प्रवाहित धारा की मात्रा, धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य से विभवांतर के समानुपाती होती है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 87 नंबर का प्रश्न है, यदि एक आनुवंशिक रोग एक दृश्य के रूप से सामान्यतः सामान्य परंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संततियों से संचारित होता है तो यह रोग है, यदि एक आनुवंशिक रोग एक दृश्य के रूप से सामान्यतः सामान्य परंतु वाहक स्त्री से केवल कुछ नर संततियों से संचारित होता है तो यह रोग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लिंग संलग्न अप्रभावी, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से एक आईवीएफ का उदाहरण है, एक आईवीएफ का उदाहरण है तो दोस्तों क्या है, तो वो है परख नली शिशु पद्धति, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एलिसा निम्नलिखित में से क्या है, एलिसा निम्नलिखित में से क्या है, तो दोस्तों एड्स का पता लगाने के लिए एक जांच है एलिसा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैफीन की, कैफीन की, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है, तो दोस्तों ये बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है दोस्तों, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा गुणा एक अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, निम्न में से कौन सा गुणा एक अणु संख्या गुणधर्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हिमांक उन्नयन, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है, तो दोस्तों बकरी के बालों से बनाई गई रस्सी कहलाती है तो दोस्तों वो है जटपट्टी, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जटपट्टी। आगे देखिए जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो बताइए कौन सी परत में होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं समताप मंडल में, ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समताप मंडल। आगे देखिए निम्नलिखित में से रिमोट सेंसिंग वर्गीकरण का सही सेट के रूप में दिया जा सकता है, निम्नलिखित में से रिमोट सेंसिंग वर्गीकरण का सही सेट किसके रूप में दिया जा सकता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सक्रिय निष्क्रिय, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन कार्बन चक्र में योगदान देता है, कौन कार्बन चक्र में योगदान देता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रकाश संश्लेषण, जीवाश्म ईंधन का दहन, श्वसन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूपों में मौजूद हो सकता है, कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूपों में मौजूद हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा वो है अधातु, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूची फर्स्ट में क्रांति दे रखा है और सूची सेकंड में संबंध दे रखा है, अपने को बताना है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है, देखिए सफेद क्रांति सभी को पता है दोस्तों दूध से संबंधित है, नीली क्रांति है ये दोस्तों मत्स्य पालन से संबंधित है यानी कि मत्स्य की से संबंधित है, पीली क्रांति है ये दोस्तों तिलहन से संबंधित है और हरित क्रांति है ये कृषि से संबंधित है, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा 3142, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौध पोषक तत्व उपलब्ध है, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इसमें पौध पोषक तत्व उपलब्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें
फास्फोरस बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है, किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रत्ना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रत्ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अपन गणित से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, ठीक है, 25 प्रश्न। देखिए दोस्तों यहाँ पे, एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने में 20% का लाभ होता है, ठीक है, यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत अपने को यहाँ पर ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, जहाँ पर ये बात आई है तो ऑटोमेटिक, देखिए मैं आपको बताऊं कि 20% की छूट पर बेचने का अर्थ है कि 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, यानी कि 80 छूट पर बेचने का अर्थ 120। तो दोस्तों सीधा सा क्या हो जाएगा इसमें, 120 बटे 80 इंटू ये कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाए तो ये 70। ये लो कर लीजिए दोस्तों, काटोगे आप तो 0 से 0 कट गया, ठीक है, ये 4 से 2 बार कट गया, ये 3 यानी कि 30, 30 × 7 तो 210, 210 में से 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 105, ठीक है, और तो 100 - 105 यानी कि 105 - 100 तो 5% का दोस्तों इसमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और इन दो संख्याओं का गुणनफल 72 है, इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है? तो इन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, महत्तम समापवर्तक कितना है 6, संख्याओं का गुणांक कितना है 72, तो दोस्तों गुणनफल बटे MSF यानी कि 72/6 कर लीजिए, कितना आ गया 12, और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, इसमें देखिए 14, 10, 11 ये नंबर दे रखे हैं यहाँ पे और 15 है, इन यानी कि दिए गए अवलोकनों का माध्यक क्या है, माध्यक अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए, माध्यक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आ रखा हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार है वो कौन सी संख्या है, तो दोस्तों 14 है, 14 कितनी बार आ रखी है, 4 बार, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए n बराबर कितना आ गया, 14, ठीक है, तो सीधा सा सूत्र लगा दीजिए, 14/2 वा पद + 14/2 वा पद, ठीक है, तो सीधा सा इसमें हो जाएगा दोस्तों 12 + 12 यानी कि 24/2 यानी कि 12वा पद आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 12 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे अवलोनों का माध्यक क्या होगा तो 12 होगा। आगे देखिए, प्रिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है, यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो उसे अपनी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कितनी वृद्धि करनी होगी, 40 किलोमीटर की चाल से 9 घंटे में एक निश्चित दूरी करती है, ठीक है, तो 9 × 40 कर लीजिए, 360 किलोमीटर हो गया, ठीक है, यदि वह उसी दूरी को 6 घंटे में तय करना चाहती है तो दोस्तों सीधा सा है, 360 में 6 का भाग दे लीजिए तो इसकी कितनी आ गई, 60 किलोमीटर की घंटे की रफ्तार, और उसकी कितनी थी, उसकी 40 की थी, तो दोस्तों 60 - 40 कितने बचे, 20, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ये कुछ प्रश्न है ये आप आसानी से कर सकते हैं, इसके अंदर भी कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, 544 के 25% निकाल लो, 1400 का 38% निकाल लो, 2880 का 60% निकाल लो और आपस में जोड़ दो, बस 2396 इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, 106 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी देखिए अनुपात निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, एक दुकानदार द्वारा सप्ताह के विभिन्न दिनों में बेचे गए सैंडविचों की संख्या के प्रतिशत
विवरण को दर्शाता है। ठीक है, तो दोस्तों सैंडविच बेचे गए हैं, सैंडविच उसका विवरण दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, मंगलवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या शनिवार को बेचे गए सैंडविचों की कुल संख्या की कितनी प्रतिशत है? तो मंगलवार मंगलवार को बेचे गए दोस्तों 8%, ठीक है, मंगलवार को 8%, और शनिवार को बेचे गए दोस्तों इसमें 16%, यानी कि दोस्तों सीधा सा है 8/16 × 100, यानी कि 50% है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। आगे देखिए, 109 नंबर का प्रश्न है, ये भी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 33 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आसानी से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप टोटल करके देख लीजिए, पहले तो 5 को 33 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, फिर 5 क्रमागत संख्याएं देख लीजिए, उसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी हो उसको मल्टीप्लाई कर लेना। ये भी ऐसा ही है दोस्तों, ठीक है। 35 किलोमीटर की चाल से यात्रा करने में लगे समय क्या होगा? ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ से क्वेश्चन है वो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे खुद करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी खुद भी करना कुछ है, ठीक है। देखिए, 112 नंबर का प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 282,240 है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, दे रखा है 282,240 × 100, 2 वर्ष का पूछा है ना, 2 वर्ष पहले का, × 100 × 105, ठीक है, 5% की वृद्धि हो रही है ना, तो ये जो 105 है ये 2 बार लिख दो, काट लीजिए, जो भी आएगा अपना सीधा राइट आंसर बेधड़ाका से आएगा, 256,000 आएगा इसमें, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, 113 नंबर का प्रश्न, देखिए एन में क्रमशः 12.5% की 16% की वृद्धि होती है, यदि एन बराबर 400 तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? ठीक है, एन बराबर 400 है तो पहले 12.5% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद में 16 की वृद्धि हुई, तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों इसमें 122 का 22 की वृद्धि होगी। आप एन बराबर दे ही रखा है तो इसको क्रमशः आगे बढ़ाते जाइए, टोटल इसमें वृद्धि होगी 122 रुपये की। 114 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, एक वस्तु के क्रय मूल्य और वस्तु को बेचते समय प्राप्त लाभ का अनुपात 4:1 है, लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत दोस्तों क्रय मूल्य दे रखा है 4 और लाभ दे रखा है 1, ठीक है, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 1/4 × 100, यानी कि 25% का क्या है इसमें लाभ है। आगे देखिए, ये ग्राफ दे रखा है दोस्तों, अब अपने को मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए, किराए पर और अन्य खर्चों पर वहन की गई राशि, यानी कि वहन की गई राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों किराया में कितना है? 16, किराए में कितना है दोस्तों? 16 है, ठीक है, और अन्य खर्च में कितना है? तो दोस्तों अन्य खर्च में देखिए, अन्य खर्च में कितना है? 14, ठीक है, तो कितने का आ गया? 2% का अंतर, कितने का आया? 2% का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कंपनी का कुल वार्षिक व्यय 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ का 2% निकाल लीजिए, 30 का आप 2% निकालोगे तो दोस्तों कितना आएगा? तो 0.6 करोड़, ठीक है, ये इसका 2% हो गया और यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ये भी प्रश्न है, ये आप भी आसानी से कर सकते हैं, ये कुछ प्रश्न है वो आपको करने हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाला भी है, ये छात्रों की संख्या दर्शाते हैं, ठीक है, डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, आसानी से कर सकते हैं इनको, ठीक है। इसमें आपको अंक दे रखे हैं, कक्षा ए के छात्र दे रखे हैं। अब अपने को दोस्तों यहाँ पे अपने को क्या करना है, एफ एक्स निकालना है, ठीक है, एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स निकालेंगे, फिर इसका माध्य का सूत्र लगा देंगे, सिग्मा एफ एक्स / सिग्मा एफ, ठीक है,
और सीधा सा अपना राइट आंसर निकल के आ जाएगा 3.6। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो कक्षा ए का माध्य क्या है, कक्षा ए का माध्य क्या है, ये भी आप कर सकते हैं इसको भी आसानी से। ठीक है, मैं आपको बहुत आगे लेके जा रहा हूँ, 122 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। यहाँ पे किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह आ सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक प्रश्न चिन्ह है, यहाँ पर क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है दोस्तों, 25% ऑफ क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बराबर 7 + 145 भाग 5। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, 12 इसका सही उत्तर होगा, इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। आगे देखिए, एक बाइक को 68,250 में बेचने पर प्राप्त लाभ बाइक को 47,250 में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो दोस्तों बाइक का क्रय मूल्य है वो क्या है, तो दोस्तों वो है 57,750, ये बाइक का इसमें क्या हो जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, योग और गुणनफल से संबंधित प्रश्न है, इनके व्युत्क्रमों का जो योग है वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 35/12, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ प्रश्न है 25 प्रश्न इंग्लिश ग्रामर से संबंधित करवा देता हूँ, ठीक है, यानी कि इंग्लिश के प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट वन वर्ड, तो वन वर्ड अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है। देखिए दोस्तों, वन हु हेट मैनकाइंड, तो दोस्तों इसका मतलब होता है मनुष्य से घृणा करने वाले को क्या कहते हैं, मिसैंथ्रोपिस्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर, सॉरी, मिसैंथ्रोपी कहते हैं, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, द करेक्ट सिनोनिम यानी कि समानार्थक शब्द अपने को बताना है ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है हैप्पी या खुशी। ठीक है, इसका समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, वो है हैप्पीनेस, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है एंटोनियम अपने को बताना है, यहाँ पर देखिए देखिए इलिटरेट इलिटरेट दे रखा है, तो इसका मतलब होता है अनपढ़। ठीक है, विलोम शब्द बताना है तो शिक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लर्न यानी कि इसमें क्या हो जाएगा पढ़ा लिखा। नेक्स्ट आगे देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पर देखिए इफ ही हैड रन फास्ट ही द ट्रेन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ही हैड कॉच ट्रेन, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी, इसमें वुड हैव कोट आएगा, वुड हैव कोट ट्रेन, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, तो दोस्तों अपने को यहाँ पे प्रीपोजिशन बताना है खालिस्तान में क्या आएगा, तो देखिए ही हैज गॉन लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबी छुट्टी पर जाने के लिए गो ऑन लॉन्ग लिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ओन आएगा दोस्तों, ठीक है, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे देखिए नाइदर हिज फादर नोर हिज मदर अलिव, तो खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इज अलिव, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल, आर्टिकल है वो अपने को यहाँ पर बताना है, देखिए आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट फॉर इंग्लिश लिटरेचर ऑफ एलिजाबेथन एज, तो दोस्तों यहाँ पे खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए द इंग्लिश फॉर द इंग्लिश लिटरेचर ऑफ द एलिजाबेथन एज, तो दोस्तों इसमें दोनों में दैदा आएगा, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
आगे देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। तो यहाँ पर अपना इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों कौन सा, तो दोस्तों वो है इसमें बाई हुम आर यू बींग ट्रबल्ड, तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, तो देखिए इसमें ही सेड वी कैन नॉट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ही स्टेड दैट वी कांट बी क्वाइट हैप्पी इन दिस लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें अपने को इनडायरेक्ट बताना था। ठीक है, आगे देखिए, द करेक्ट हिंदी वर्ड फॉर पोस्टिंग इज, तो बताइए पोस्टिंग का हिंदी वर्ड क्या होगा, सभी को पता होगा दोस्तों पोस्टिंग का मतलब होता है डाक भेजना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी सॉरी, प्रतिनियुक्ति, यानी कि नियुक्ति, यानी कि आप ये होता ना कि एक होता है कि चलो डाक पोस्ट कर दी, ठीक है, और एक होता है कि पोस्टिंग हो गई यानी कि स्थानांतरण हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों पोस्टिंग, तो यहाँ पर नियुक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट हिंदी ट्रांसलेशन, आई एम यूज टू स्लीपिंग इन द ओपन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें मैं खुले में सोने का आदी हूँ, मैं खुले में सोने का आदी हूँ, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, हमारे देश के लोग वर्षों से गरीबी से संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका इंग्लिश जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसका इंग्लिश वर्ड हो जाएगा दोस्तों ओवर कंट्री मैन हैव बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट पॉवर्टी फॉर ईयर्स, तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल इन द ब्लैंक्स, आर्टिकल अपने को भरना है, देखिए मिस स्टॉक वाज यूरोपियन लेडी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है ए यूरोपियन लेडी, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए करेक्ट ऑप्शन अपने को बताना है ही विल कम इफ ई टाइम, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों है जाएगा दोस्तों इसमें, यहाँ पर है अपना जो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें है जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए द वर्ड यूजिंग सुफिक्स मेंट, यानी कि अपने को उपसर्ग है, सॉरी प्रत्यय, ये प्रत्यय है, ठीक है, ये सुफिक्स का मतलब क्या होता है, प्रत्यय होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीधा सा मैं बोलूँ कि कौन सा प्रत्यय इसमें बिल्कुल सही लगा हुआ है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्गुमेंट। ठीक है, आर्गुमेंट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, क्या होता है उपसर्ग। ठीक है, तो यूज इज नॉट करेक्ट, यानी कि किस में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए इंटरमॉडर्न, इंटरमॉडर्न है तो दोस्तों इसके अंदर जो इंटर है वो उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, ठीक है, बाकी सभी के अंदर इंटर है वो उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे इंटरसिटी, ठीक है, इसमें इंटर है वो क्या है उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें देखिए कॉन्टेंट्स, ठीक है, कॉन्टेंट्स
कॉल इन हिंदी। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, बताइए क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है प्रतिविरोध। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्हाट इज प्रतिवादी कॉल्ड इन इंग्लिश? प्रतिवादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों डिफेंडर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिफेंडर बोलते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डिफेंडेंट। यहाँ पर अपना इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब ये पेशी वॉइस से संबंधित क्वेश्चन है, पेशी वॉइस आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप ये क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिनोनिम फॉर ब्रेव? ठीक है, तो दोस्तों ब्रेव, ब्रेव का जो समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, जैसे वीर बहादुर, उसका क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों इसमें वॉलियंट। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द एंटोनियम ऑफ ब्राइट इज? एंटोनियम अपने को बताना है ब्राइट का क्या होगा, तो दोस्तों इसका मतलब हो जाएगा चमकीला या तेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डुल, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द वे ऑफ लिविंग कैन बी रिप्लेस्ड विथ द वर्ड? तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है लाइफ स्टाइल। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन इंटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव दिस विच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डजेंट दिस वॉच कीप करेक्ट टाइम। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द डेट इन ए लेटर इज? तो वो है जून 11, 2017, सी नंबर ऑप्शन सही। अब यहाँ पर देखिए, एट द क्लोज ऑफ ए फॉर्मल लेटर विच बिगेंस विथ डियर सर या मैडम वन मस्ट राइट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें योर्स फेथफुली, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। देखिए, माय पेरेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947। ठीक है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इमिग्रेटेड, इमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन 1947। तो यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इस पर याद रखना है। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा है उसके प्रथम पेपर की, मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें आज मैंने आपको दूसरा नंबर का मॉडल पेपर करवा दिया है। मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।